हेलो फ्रेंड्स, रेस टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नया सिलेंडर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों को बहुत ही ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये सील देखनी है कि ये सील कहीं से कटी हुई ना हो या फटी हुई ना हो, ये तो चलो सब देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं देखते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर के साइड में ये जो इसकी वैल्यू लिखी हुई 15.6, मतलब ये 15.6 केजी का सिलेंडर है। इसके बाद में A25। अब यहाँ पे ये कोड होता है आपके सिलेंडर की एक्सपायरी का, कि आपके सिलेंडर की एक्सपायरी डेट क्या है। ए मतलब जनवरी से मार्च तक के महीने, क्वार्टर होते हैं ये, ABCD, जनवरी से मार्च, और अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, चार क्वार्टर होते हैं। और 25 मतलब 25 ईयर, मतलब ये मार्च फर्स्ट क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी से मार्च तक का, 25 तक इस सिलेंडर की वैलिडिटी है। मतलब मार्च 25 तक हम इस सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में इसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, और कोई भी ईयर हो सकता है। तो ऐसे ही आपको अपने सिलेंडर की एक्सपायरी चेक करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, आप सिलेंडर खरीदने से पहले अपने सिलेंडर की एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। और इसके बाद में और क्या चेक करना है आपको, अभी हम सिलेंडर की सील को रिमूव कर लेते हैं और इसके जो इसका ढक्कन है इसको हम खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस ढक्कन को खोलते हैं, और फिर मैं अभी आपको जो नेक्स्ट चेक बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज़रूरी चेक्स हैं। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने इसको खोलने के बाद देखनी है वो है इसके अंदर में एक रबर वाशर होती है। ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, इसके अंदर में अभी शायद दिख भी नहीं रही हो, ये जो अगर आप देख रहे हैं चाबी से भी, यहाँ पे एक रबर वाशर होती है। ये रबर वाशर होना बहुत ज़रूरी है आपके सिलेंडर में, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। सिलेंडर में ये वाशर नहीं है तो आपका सिलेंडर ज़रूर लीक करेगा। तो दोस्तों ये चेक ज़रूर देखें। इसके नेक्स्ट जो चेक है उसमें आपको अपने सिलेंडर में पानी डालना है। तो जैसे आप पानी डालेंगे, अगर आपका सिलेंडर लीक कर रहा है तो यहाँ से हल्के हल्के से छोटे छोटे से भी बबल निकल सकते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि यहाँ पे पानी में कोई भी बबल ना निकले। तो ये आपको यहाँ पे माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कोई भी बबल नहीं निकलना चाहिए पानी में से। अब देखिए, जैसे इसमें नहीं था तो सबसे पहले आप सिलेंडर उल्टा करके इसमें से पानी निकाल लेंगे। तो अभी ये इसमें से सारा पानी नहीं निकला, अभी आपको यूज़ में नहीं करना है। अभी इसके बाद में आपको कोई भी की लेनी है या कोई भी ऐसा नुकीला पदार्थ लेना है जिससे आपको इसको प्रेस कर सकें। आपको यहाँ पे इसको एक या दो बार प्रेस करना है जिससे कि थोड़ी गैस रिलीज़ हो। इससे आपके सिलेंडर में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा और आप इसको अभी यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली ये तीन चेक्स हैं, एक आपको इसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, दूसरा आपको पानी से चेक करना है, और इसकी वाशर चेक करनी है। ये तीन चेक बहुत इंपॉर्टेंट चेक हैं। आप कभी भी नया सिलेंडर खरीदते हैं तो इन चेक्स को ज़रूर चेक करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।